अभी मुरली में बोला कोई संत आता हो तो क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अंदर अंदर विस्तार को पाता रहा तो अपना भी नुकसान करेगा और दूसरों का भी नुकसान करेगा। जो बोली जो रिद्धि सिद्धि करते हैं उनको भगवान का सब निश्चय होगा है। जो रिद्धि सिद्धि है वो भूत प्रेतों की पूजा है। भूत प्रेत आत्माओं को कंट्रोल कर लेते हैं और उनसे मनमाने काम कराते रहते हैं उनके नीचे। लोग समझते हैं ये तो भगवान है लेकिन ये मैली विद्या है। भूत प्रेत आत्माएं कौन बनते हैं? जो बहुत पाप करते हैं उनके पाप कर्मों में ज्यादा वृद्धि न हो इसलिए ये नैसर्गिक नियम बना हुआ है कि उनकी अकाल मौत हो जाती है। चाहे सुसाइड करने से मौत हो और चाहे हत्या से मौत हो चाहे एक्सीडेंट में मौत हो ऐसी आत्माओं को पाप आत्मा कहेंगे या पुण्यात्मा कहेंगे? वास्तव में पाप आत्मा बनना चाहिए अंतिम जन्म में परंतु ये आत्मा इतनी तीव्र गति से पाप करती है कि पहले ही जन्मों में शुरुआत द्वापर और कलयुग में ही भूत प्रेत बनने लग पड़ते हैं। ऐसी आत्माओं को तंत्र मंत्र से सिद्ध करके उनको कंट्रोल में कर लेते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उनके भक्त उनके सामने आते हैं और वो सिद्धि का प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तुमको क्या प्रसाद चाहिए बच्चे, अपनी मुट्ठी बंद करो। उन्हें चाहिए हमें ये चाहिए वो चाहिए, मुट्ठी खोलो प्रसाद खा लो। कोई सच्चाई कोई सच्चाई जो प्रेत आत्माएं होती है वो हवा होती है। हवा में तो इतनी ताकत है कि कोई भी चीज कहीं से उठा करके कहीं ले जा सकती है। उसका अनुभव सबको नहीं होगा। जो कमजोर आत्माएं होती है उनको ही इन भूत प्रेत आत्माओं का अनुभव होता है। खुली आंखों से उन्हें देखते भी हैं, उनकी आवाजें भी सुनते हैं। जो पावरफुल आत्माएं हैं उनको उनका कोई असर नहीं होता। इसलिए मुरली में बोला है भय का भूत कहा जाता है। पूजन के कंकार होते हैं, देह अभिमान के कारण भय पैदा होता है। गीता में लिखा हुआ है मेरी उपासना करने वाले मेरे लोगों को प्राप्त होंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त होंगे और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनियों में जाते हैं। जितने भी औलिया होते हैं भूत प्रेतों को सिद्ध करने वाले वो सारा भूत प्रेत योनि में जाने वाले।
तो उनका नंबर ज्ञान लेने में पहले लगेगा या बाद में लगेगा? वो तो देवगण में जाने वाले हैं ही नहीं। क्रिश्चियंस और मुसलमानों में फरिश्ताओं की मान्यता होती है। उच्च कोटि के भूत प्रेत होते हैं, उन्हें कहा जाता है फरिश्ता एंजल, उनमें भी नंबर वार है। भूतों का साक्षात्कार भूतों का साक्षात्कार तो नवदा भक्ति करने वाले भक्तों को भी होते थे। वो नवदा भक्ति करने वाले क्या भूत प्रेत होते थे? ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भक्ति करने वालों को भूत प्रेत कहा जाए। हाँ, जो विचारी भक्ति करते हैं आज से ही वो भूत प्रेत बन सकते हैं। हम बच्चों ने तो आज से ही अपनी विचारी भक्ति की है। भक्ति भी एक ही की है और बड़ी गहरी भक्ति की है। तो जो गहरी भक्ति करते हैं वो गहरा ज्ञान उठाते हैं, जो अभिविचारी भक्ति करते हैं वो अभिविचारी ज्ञान उठाते हैं, अभी अनुभव कर सकते हैं कि हम कैसे भक्त रहे हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं। तंत्र क्या होता है? तंत्र तंत्र मंत्र और तंत्र मंत्र पता है, तंत्र क्या होता है? मंत्र मंत्र विद्या। ये तांबे का दूसरी धातुओं का कोई पत्रा होता है, उसमें ऐसे इस तरह खाने अलग अलग बनाते हैं और उनमें मंत्र लिखते हैं, उनको कहते हैं तंत्र। सारी ताकत जो है वो निकलती तो है देहधारी धर्मों से और शिव से। अच्छी ताकत निकलती है शिव से और दुष्ट ताकतें निकलती है देहधारी धर्म। यंत्र तो इसको कहते हैं जो आज की वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। यंत्र माने मशीनरी। इच्छा मात्रम अविद्या का विस्तार से बता। इच्छा मात्रम अविद्या ये देह, देह के पदार्थ और देह के जो भी संबंधी है उनसे संबंधित कोई भी इच्छा करना, किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा करना, वो इच्छा मात्रम अविद्या है। देह से परे आत्मा, आत्मा की प्राप्ति नई दुनिया की, वैकुंठ या स्वर्ग, और नई दुनिया के जो भी पदार्थ है सतोपदान पदार्थ, सतोपदान प्रकृति के निर्मित किए हुए, उनकी इच्छा करना वो अविद्या नहीं है। इन आंखों से जो भी देखते हैं उनकी इच्छा करना वो है अविद्या।
और पीछे नेत्र से जो देखते हैं उसकी इच्छा करना वो है विद्या। अपनी आत्मा का चक्र देखेंगे तो चक्कर भी फिराएंगे। अपनी आत्मा को चारों युगों के चक्र में देखने योग्य नहीं बने हैं, बुद्धि चलती ही नहीं है। कैसे हमें बाबा का चेहरा भी नहीं याद आता, भूल जाता है, तो फिर चक्रवर्ती कैसे बने? पहली पीढ़ी आपकी किसी थी, आपकी किसी थी में स्थित होंगे तो चारों युगों में आत्मा चक्र लगाने योग्य बनेगी। आपने की स्थिति बनेगी ही तब जब प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ दूसरी आत्माओं की सेवा में लगे रहेंगे। जितनी जाती ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे उतना सेवादारी बच्चों को बाप याद करेंगे, और जिन बच्चों को बाप के याद की ताकत मिलेगी उनकी स्थिति कैसी बनेगी? अच्छे से अच्छी बनेगी, ऑटोमेटिक। उन्हें पुरुषार्थ जैसे करना नहीं पड़ता, स्वतः ही पुरुषार्थ होता है। शंकर भगवान है? शंकर तो भगवान है ही नहीं, वो राक्षसों का वरदान देता है ना। हाँ जी, हाँ जी, वरदान देता है उसके ऊपर हाथ लगे तो ऊपर हो जाए। शंकर जो उसको वर देता है उसका दूसरे बन जाए, शंकर राक्षस है तो वरदान देता है तो भोला वाला है, ये थोड़ी देखता है कि हम किसको दे रहे हैं। जो आगे लेना चाहता है उसको दे देता है, जो पुरुषार्थ करे दो पाए। क्या ऊपर रखने का नया नहीं चाहिए है, उनके जो ऊपर आप तक रखने के लिए उसके पीछे बताना। हाँ, क्या हुआ? बाबा लेना, बाबा ने बताया तुम्हारे ऊपर कोई हमला करे तो तुम बाप करो, बाप जाओ या पीछे रहो, समझो। जब इस तरह कर रहे हैं तो सारे कर रहे हैं तब ऐसा था ना मतलब है तो, लेकिन जब तक ब्रह्मा बाबा पहला सप्ताह का प्रगति नहीं होते तब तक 500-700 करोड़ का प्रगति नहीं हो सकते। इस सारा मतलब मैंने नहीं पत्ते के ऊपर रहे ना, पत्ते पत्ता कोई बीज नहीं है, पत्ता पत्ता है, पत्ते को बीज नहीं कहा जाएगा। पत्ते को जो जन्म देने वाले हैं वो बीज है। उन बीजों में भी तीन प्रकार के, एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु, तीसरा है शंकर। पत्ते को बीज नहीं कहा जाता, बीज का कभी विनाश नहीं होता। ब्रह्मा की आत्मा के 50 वर्षों का पार्ट का विनाश हो गया, पचास वर्षों का पार्ट सतीरूपी रंगमंच पर रहता है या खत्म हो जाता है अपने शरीर से, नहीं रहता। तो ऑलराउंड पार्ट दारी नहीं हुआ तो बीज कहाँ हुआ? जिनकी ऊंची स्टेज वो ऊंचे रहते, जिनकी नीचे स्टेज वो नीचे रहते। जन
एक आदमी की सोना आप एक ही टूटा हुआ दिखाई पड़ता है, दाया हाथ टूटा हुआ दिखाई पड़ा या बाया हाथ टूटा हुआ दिखाई पड़ा? याद नहीं है? ध्यान करो, तुमको टूटा हुआ कौन सा दिखाई पड़ा, दाया हाथ या बाया हाथ? देखा हुआ ना, तो कौन सा टूटा हुआ देखा? ध्यान नहीं दिया? अपनी बात आओ तो ध्यान से देख लो, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, दायां भी माने विजय माला का हेड वो भी टूटा हुआ और रुद्र माला का हेड वो भी टूटा हुआ, दोनों ही टूट जाते हैं। जो भी जगन्नाथ बनने वाली आत्मा होगी उसके दोनों हाथ अभी भी टूटे हुए होंगे या जुड़े हुए होंगे? कैसे होंगे? टूटे हुए होंगे, तो यादगार बनी हुई है। अरे जुड़ते हैं कि नहीं कभी है? तो जुड़े हुए क्यों नहीं दिखाएंगे मंदिर में, टूटे हुए क्यों दिखाए जाते हैं? हाँ, जब सारे जगत का नाथ है तो वो आत्माएं सहयोगी बन करके नहीं रहेंगी, वैकुंठवासी हो जाएंगी। बाबा ब्रह्मा बाबा 100% बॉडी कंस है ना, अभी 100% बॉडी कंस है ना, सागर तन में प्रवेश करके बॉडी कॉन्सेप्ट का काम करते क्या हो सकता है? राम की आत्मा बाप मनुष्य सृष्टि कर, और कृष्ण की आत्मा पहला बच्चा रचना, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? इनको बोलने दो ना, दोनों आत्माओं में ज्यादा पावरफुल कौन है, रचयिता या रचना? राम वाली आत्मा रचयिता ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा पावरफुल है उसके संपर्क संसर्ग में और संघ के रंग में कमजोर आत्मा आएगी तो पावरफुल बनेगी या कमजोर बनेगी? कभी कभी लीडर भी करता ना बाबा, वही तो बात है। जब बीज रूप आत्माओं के संसर्ग में आधारभूत आत्माएं आती है तो पावरफुल बीज रूप स्टेज धारण करती है, और जब वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो अपनी रचना के संसर्ग संपर्क में आ जाती है और कमजोर बन जाती है। जैसे आज माता है, जब तक पिता रहता है परिवार में तो माता पावरफुल रहती है, और पिता स्वर्गवासी हो जाता है, ऊपर चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो माता किसके संग के रंग में आती है? बच्चों के संग के रंग में, और बच्चे इतने पावरफुल हो जाते हैं कि माता को पूरा ही मुट्ठी में कर लेते हैं। ऐसे ही ये जगत की माता है, जब पिता का साया उठ जाता है तो बच्चों के मोह में पागल हो जाती है, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, और कमजोर बन जाती है। इतना श्रेष्ठ एडवांस नॉलेज सुनते हुए भी इतने वर्षों से लगातार वो आत्मा वहां क्यों चली जाती? कहा ज्यादा निकेतन में, क्योंकि मोह का अनेक जन्मों का बंधन बंधा हुआ है।
ब्रह्मा के संकल्पों से शक्ति रची गई या ब्रह्मा के प्रैक्टिकल कर्मों से शक्ति रची गई? क्या बात है? तो ब्रह्मा के संकल्पों से शक्ति रची गई तो ब्राह्मणों के संकल्पों से भी शक्ति रची जाती है। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल कर्म करने से शक्ति रची जाती है। प्रैक्टिकल कर्म करने से नई शक्ति नहीं रखी जाएगी, उससे नीचे गिरना हो सकता है, पांचवी बार से भी नीचे गिर सकते हैं। सब संकल्पों की शक्ति श्रीमत पर चल करके होती है और मनमत पर और मनुष्य मत पर चल करके जो संकल्प निर्मित किए जाते हैं उनसे द्वापर कलयुगी तेरह जन्मों की शक्ति का निर्माण हम खुद करते हैं। शक्ति कला के भी संस्कार हम अभी भर रहे हैं आत्मा में और शक्ति कला के भी संस्कार अभी आत्मा में हम भर रहे हैं। बाबा की अवस्था में सुख दुख का पता चलता है क्या? कर्मातीत अवस्था में सुख दुख का पता चलता है क्या? कर्मेंद्रियां कर्म करने वाली कर्मेंद्रियों में जब तक आसक्ति है तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। कर्मेंद्रियों की आसक्ति से अतीत जब मन हो जाता है तो कर्मातीत अवस्था कही जाती है। जिसकी कर्मातीत अवस्था हो गई वो देह के बंधन से परे चला गया या देह के बंधन में रहेगा? कर्म इंद्रियों के बंधन से परे हो जाता है तो सुख दुख अनुभव होगा वो नहीं सकता। मन कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं रहता जब कर्मातीत अवस्था हो जाती। जब बंधन में ही नहीं होगा तो न सुख का अनुभव होगा न दुख का अनुभव होगा। धारणा नहीं होगी। केरनी का दूध
मुक्ति के पात्र में धारण नहीं रहता। सोने की बुद्धि होगी तो फेरनी का दूध टिकेगा। ये ईश्वरीय ज्ञान फेरनी का दूध के मुआफिक है। आप पवित्र कर्म करते रहेंगे, बुद्धि में से ज्ञान उड़ता रहेगा। अनुभव करने वाले अनुभव भी करते होंगे। पवित्रता का सही परिभाषा क्या है? देते हैं तन धन मन समय संपर्की संबंधी इनकी शक्तियां पतित न होने पाए, व्यर्थ न जाने पाए, वो है पवित्रता। तन की शक्ति क्षीण हो गई, अपवित्रता आ गई, पवित्रता भंग हो गई। अनुभव करने की बात है। जब तन की शक्ति क्षीण होती है तो मन निष्क्रिय हो जाता है। मन बुद्धि के ऊपर भी असर आ जाता है, बुद्धि विकृत हो जाती है। जैसे शास्त्रकारों ने विकृत शास्त्र बनाए दिए, विकृत व्याख्या कर दी, तो तन का पतित पतन होने से मन बुद्धि भी पतित बनती है, तो वाइब्रेशन पतित बनते हैं। मन का पतित हो जाती है, संकल्प विकृत आते हैं। और जो कमाया हुआ धन है, विकृत बुद्धि होने के कारण गलत कार्यों में लग जाता है, एटम बम बनाने में लग जाएगा। बड़े बड़े सन्यासी लोग रहते ना, बोलो बड़े बड़े सन्यासी लोग होते ना, बड़े बड़े सन्यासी लोग होते ना, वो जो बोलने से लोग मानते हैं, मतलब वो पवित्रता के कारण है ही नहीं, तो नॉलेज के कारण। अल्पकाल की पवित्रता भी तो धारण करते हैं, वो भी तो पवित्रता की पावर है। प्राचीन काल में भी सन्यासी लोग जो पवित्रता के कारण, वो पवित्रता के कारण स्वर्ग तो नहीं स्थापन कर लेते, स्थापन नहीं किया, मगर लोग का प्रभाव में आ जाता है। प्रभाव में आने वाली उनकी प्रजा, जो प्रभाव में आ जाते हैं वो उनकी प्रजा वर्ग के लोग हैं, या कि सूर्य वंशी है। कुमार का पिता कौन है? कुमार का पिता है बाबा, जिस दिन कुमार का कंफ्यूज करता है तो भेद में बोल के बोले हैं बाबा। बाबा तो सब कुछ भेद में ही बोलते हैं, हद की बुद्धि वाले उनका हद में लगाते हैं, भेद की बुद्धि वाले भेद में हद लगाते हैं। रमेश अर्थ बोलते हैं तो रमा का ईश्वर, जल्दी अर्थ बोलते हैं तो जगत का ईश्वर, कुमार का बोलते हैं तो जरूर कुमारी है जीवन में, ब्राह्मण के जीवन में कुमारी तो धारण किया है, कुमारी कन्या यादगार बनी हुई है। भाषा ना बोले, जिंदा भाषा बोले, कहीं बोली जाती है क्या संस्कृत भाषा? कोई देश में
कोई व्यक्ति कोई लोग बोलते हैं क्या? बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा है ही नहीं, वो तो आर्टिफिशियल भाषा है। वो भक्ति मार्ग वाले तो भक्ति कोई वैल्यू देंगे ना, मनुष्यों की बनाई हुई चीज कोई वैल्यू देंगे ना। भगवान ने जो भाषा बनाई वो इशारे की भाषा बनाई। भगवान ने हिंदी में आके बोला, हिंदी से मिलती जुलती भाषा देवताओं की इशारे की भाषा होती है। इशारे भी सुधरे हुए, उनकी भाषा भी सुधरी हुई, उनकी एक्ट भी सुधरी हुई। कुछ बातें ऐसी होती है जो तुरंत नहीं बताई जाती, और लोग टीवी ज्यादा देखते हैं, तो जो टीवी में देखते हैं वो ही बातें बुद्धि में चलती है। और टीवी में कौन सी बातें आती है? शास्त्रों की। बाबा कहते हैं शास्त्रों में भूमिका भरा हुआ है, मैं जो सुनाता हूँ सार सुनाता हूँ, और शास्त्र जो सुनाते हैं भूसा, विस्तार बहुत है, आगे में नमक के मिसाल उसमें सच्चाई है। तो शास्त्रों की जो जो बातों का रेफरेंस मुरली में आया है या अभ्यवाणी में आया है या क्लैरिफिकेशन में आया है, उन बातों में बुद्धि चलनी चाहिए। अगर मनुष्यों की बनाई हुई बातों में ही बुद्धि चलती रही तो क्या होगा? जो मनुष्यों की गति हुई है वही हमारी गति हो जाएगी। सागर मंथन का मतलब क्या है? ज्ञान सागर ने जो भी गीता ज्ञान दिया गीता माता के द्वारा, उस ज्ञान के ऊपर मन चिंतन मंथन करना। कर्म का नाम तो आया है शास्त्र, और मुरलियों में भी नाम आया है। क्या नाम क्या दिया? कर्म माना काम, महारथी था, पांडवों का महारथी था या कौरवों का महारथी? कौरवों का महारथी था। पैदाइश तो कुंती से हुई थी, लेकिन पालना किसके यहाँ हुई थी? सूत पुत्र था, इसलिए द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ नहीं माना। पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, किसकी तरफ से युद्ध लड़ा? कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। माना विरोधी पाला का बन गया। जैसे पांडवों का सेनापति
कैसे कौरवों का सेनापति भी रहा, कौन कर्ण बड़ा महारथी था और पांडवों में सबसे बड़ा था। लेकिन विरोधी पाला का बन गया कर्ण की राशि, कृष्ण की राशि, कंस की राशि और क्राइस्ट की राशि, ये सब की राशि एक ही राशि, तो भी कर्मों में इतना अंतर पड़ जाता है। पुरानी दुनिया में रहते हुए, पुरानी दुनिया के संबंध संसर्ग में आते हुए, उनके रंग संग में रहते हुए, हम अपने समय संकल्प को कैसे समझ सकते हैं? कोई कंपल्शन है कि भगवान बाप नई दुनिया रखने आया हुआ है और हम नई दुनिया की रचने में अपना तन मन धन न लगा करके कहाँ लगावे, पुरानी दुनिया में तन भी लगावे, धन भी लगावे, मन भी लगावे, समय और शक्तियां भी गवावे, इस बात का कंपल्शन है क्या है? जीवन आधार के लिए उनके संबंध में जाना पड़ता है, माना ब्राह्मण जिंदा नहीं रहते, जो सिर्फ ब्राह्मण का कर्म करते हैं उनका शरीर जिंदा नहीं रहता। बाबा ने तो गारंटी दी हुई है, मेरी सेवा में लगे रहने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, तो ये अपनी कमजोरी है या ज्ञान की कमजोरी है? अपनी कमजोरी है कि हम बाबा की भाषा के ऊपर उतना निश्चय बुद्धि होकर के जीवन नहीं चला सकते, नहीं तो जो सुबह से शाम तक ईश्वरीय सेवा में ही लगा रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसको जीवन यापन के लिए रोटी कपड़ा और मकान न मिल पाए। घरवालों क्या कोई आधार है? घरवालों के लिए क्या ऐसा कोई उन पर आधार है? घरवालों के लिए उनके हाथ पांव नहीं है घरवालों के? अरे कीड़े मकोड़ों को भी हाथ पांव होते हैं, अपने पेट के लिए कमा लेते हैं। माँ बाप बुड्ढा हो गया, आपके माँ बाप बुड्ढा हो गए, आपके माँ बाप बुड्ढा है, उनके लिए भी बोला है, कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा हो, बोली में बोला है, अच्छा सर्विसेबल बच्चा हो, ईश्वरीय सेवा में हस्ती हस्ती देने के लिए तैयार हो, तो बाप उनके माँ बाप को भी परवरिश करने के लिए तैयार। और रखने से नीचे तो काम निकालने के लिए गधे को बाप कह दिया जाए तो कोई खराब बात है क्या? राम वाली आत्मा जब वैदिक नाच में आती है तो ब्रह्मा को बाप बनाती है कि नहीं बनाती है? बस पवित्रता को धारण करे, एक बाप की बनकर की रहे, ईश्वरीय सेवा करे तो शर्मा के
यदि वो जिसका सागर से कनेक्शन हो वो नदी पतित पावनी होती है और जिसका सागर से कनेक्शन नहीं वो नदी नाला बन जाती है उसको तर्क धारण किया जाता है क्या है? जो नदी जिसका सागर से कनेक्शन न हो नाला बन रही हो उसको तर्क के ऊपर चंद्र की धारण करते हैं क्या? नहीं करते। और अकेली गंगा की बात हो रही है वो आर्थ देवों को भी सर के ऊपर धारण किए हुए। जो ज्यादा प्यारा बच्चा होता है उसको माँ बाप सर के ऊपर चढ़ाते हैं प्यार में। ड्रामा है ये तो ही कहा जा सकता है कि कीड़े मकोड़ों ने ऐसा क्या पाप किया वो जन्म जन्मांतर उनको कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। वो कीड़े मकोड़े बन करके ही प्रसन्न है। कीड़े नाली का कीड़ा हो और उसको नाली के कीड़े में से नाली में से निकाल करके साफ सुथरे धूप के स्थान में रख दो तो तिल मिला के मर जाएगा। तो हम समझते हैं कि वो शुद्ध है वो अपने जीवन को शुद्ध तो नहीं समझते हैं। छोटे बच्चे क्या जन्म से कौन सा पाप करते हैं? आधा जन्म में पुण्य करते हैं आधा जन्म में पाप करते हैं। हर एक मनुष्य आत्मा आधे जन्म तक तो पुण्य करती है और आधे जन्मों में पाप करती है। आधा टाइम पुण्य आत्मा आधा टाइम पाप आत्मा। सतो प्रधान सतो सामान्य है तो पुण्य आत्मा, रजो प्रधान और तमो प्रधान बनते हैं तो पाप आत्मा। हाँ जी बाबा जब तक ब्रह्मा बाबा पूछेंगे गीता का भगवान मायना क्यों ऐसा बात बैठ रहे तो सारी आत्मा उनका बुद्धि में पूरा निश्चय आ जाएगा ऐसा बोला था ना बाबा तो सारी मदद पत्ते के ऊपर गया था ना है? सारी मदद बीच के ऊपर नहीं पत्ते के ऊपर गया था ना ये बात नहीं। ब्रह्मा बाबा पहले या ब्रह्मा को टाइटल ब्रह्मा का देने वाला पहले? वो तो डब्बा बोल गया था ना बाबा वो इस जन्म में डब्बा है। इस जन्म में ब्रह्मा की सोल उसको कंट्रोल करके चलाती है लेकिन पिछले जन्म में पिछले जन्म में वो माता रचयिता थी या रचना थी देना पड़े मगर देह बात को तोड़कर समर्पण बनना है ये अहम तो नहीं पॉइंट है बाबा। ये निराकार को लाभ होता है साकार को लाभ होता है। देह लेंगे तो भी देना पड़े मगर देह बात को तोड़कर समर्पण बनना है। देह लेंगे तो भी देना पड़े मगर देह बात को तोड़कर समर्पण बनना है ने बात। आपकी बात कोई ने समझी होगी उन लोगों से पूछ रहे क्या जी क्या कहना चाहते हैं बाबा? हाँ देश गई भी पता नहीं देह चली जाएगी कोई परवाह नहीं देह बांध छोड़ना। जब देह चली जाएगी तो दो तरीके से जा सकती है एक तो आत्माभिमानी बन करके देह जाए। आत्माभिमानी बनने के बाद देह चली जाए तो कैसे जाएगी?
फ्रीज होगी ना, जो आत्माभिमानी बन जाएंगे उनकी देह ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी। उनकी आत्मा अपने देह के पांच तत्वों को स्वतः ही परिवर्तन करने वाली बन जाएगी। विरुद्ध बातें हैं, जो पतित पावन बाप को बुलाते हैं वो भगत है, और जो पतित पावन बाप को बुलाते हैं वो ही पतित से पावन बनते हैं। विरुद्ध बातें तब तक है जब तक संपूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं, नित्य अनित्य का चक्र चलता रहता है, अभी अभी नित्य अभी अभी अनित्य। जब नित्य अनित्य का चक्र खलास हो जाता है तो बुलाने की दरकार ही नहीं रहेगी। मैं आत्मा ज्योति बिंदु पक्का हो जाएगा, और जहाँ ज्योति बिंदु है, आत्मिक स्थिति है, वहां परमात्मा बाप ना हो ये हो ही नहीं सकता। जहाँ आत्मा है वहां परमात्मा बाप भी है, जहाँ आत्मिक स्थिति नहीं है वहां परमात्मा बाप भी है। ये विरोधाभास तब तक दिखाई पड़ता है जब तक हम आत्मा नहीं बने। आत्मा बनना मना क्या है? आत्मा बनना मना क्या है? आत्मा बनना मने आत्मा की स्थिति नहीं फिट हो जाना। बाबा जब आत्मिक स्थिति में स्थिति हो जाए, जब नो माइंड हो जाता है ना, मन का एक्टिविटी नहीं रहता नहीं, सुनानों की बुद्धि हो जाता है। भगवान को संकल्प चलाने की दरकार है क्या? नहीं। भगवान को सोच विचार करने की दरकार है क्या? भगवान सोचता है, उसको सोचने की दरकार ही नहीं। सोच विचार तो मन का काम है। मालूम नहीं है उसको जानने के लिए सोचना पड़ता है। नहीं मालूम है तो अज्ञानी है या ज्ञान सागर का बच्चा है। जब सब कुछ जानते हैं सोचने की जरूरत है, जब सब कुछ जानते हैं सोचने की जरूरत है। पहले सब कुछ में अपनी आत्मा आती है, अपनी आत्मा के 84 जन्मों को जानते हैं तो सब कुछ कौन जानते हैं? अपने ही कोई नहीं जानते। आज के साइंसदान शरीर की सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं, लेकिन अपन को नहीं जानते। चलो संसार में जब बच्चा पैदा होता है तभी तो प्रत्यक्षता मानी जाती है, या जब गर्भ में आता है तब प्रत्यक्षता मानी जाती है? बच्चा गर्भ में आता है तब थोड़ी प्रत्यक्षता मानी जाती है, जन्म नहीं माना जाता। ऐसे ही शिव बाप तीन मूर्तियां जब प्रत्यक्ष होती हैं संसार में इकट्ठी, तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता। अभी वो कार्य हुआ है या होना है? होना है। पांच सौ करोड़ की दुनिया जो है वो कब तक है? 2000 कृष्ण बच्चा का जन्म होता है उसी समय खत्म हो चुका है कि 2036 तक रहे?
वो प्रश्न बार बार सभा में पूछा जा रहा है, वो वाणियाँ आएंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। कृष्ण की जो प्रत्यक्षता होगी वो नई दुनिया में होगी या पुरानी 500 करोड़ दुनिया के बीच होगी? पावन दुनिया में होगी प्रत्यक्षता या पतित दुनिया के बीच होगी? पावन दुनिया के लिए बोला है, जहाँ पावन दुनिया होती है वहाँ सब पावन आत्मे, एक भी पतित नहीं। और जो पतित दुनिया होगी उसमें सब पतित आत्मे, एक भी पावन नहीं। जैसा आदि में हुआ होगा ऐसा बड़े रूप में फिर अंत में होगा। आदि में तो स्वर्ग का टेम्पल तैयार हुआ था, जिसकी यादगार अजमेर में दिखाई जाती है, स्वर्ग का मॉडल। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी, कराची में एक बंगले में ये 300-400 आत्माएं बड़े आराम से रही पड़ी थी। तो नरक के बीच स्वर्ग का नजारा देखने में आया ना, ऐसे ही अंत में होगा। वो दुनिया ही अलग होगी जहां कृष्ण का जन्म होगा। तो बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया 500 करोड़ की, अंदर की दुनिया तो बहुत थोड़ों की होगी। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी उनके बीच कृष्ण प्रत्यक्ष होगा या 500 करोड़ के बीच प्रत्यक्ष होगा? है कौन है श्रेष्ठ आत्माएं? कितनी है? आठ है। जो आठ है, एक तो आठ में तो दूसरे धर्म के छिलके वाले भी भरे पड़े, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो नहीं कहे जाएंगे। जो आठ है वो सब के पूर्वज है, पहले पत्ते की भी पूर्वज है। तो वो दुनिया ही अलग होगी। विनाश कांटों के जंगल का होगा या फूलों के बगीचे का होगा? आप कहाँ लगते हैं? फूलों के बगीचे में पानी से सराबोर धरणी होती है, या कांटों के जंगल में पानी से सराबोर धरणी होती है? यहाँ पानी कौन सा है? ज्ञान जल। ज्ञान जल से भरपूर बगीचा होता है, वहाँ आग नहीं लगती। कांटों का जंगल होता है वो सूखा पड़ा रहता है। नंबर वार नहीं पहुँचेंगे तो नंबर कैसे बनेंगे? फिर बोलेंगे लास्ट ट्रेन, सबको एक साथ लाना पड़ेगा। सारी ट्रेनें आ इंडिया में एक साथ ही छूटती है क्या? आगे पीछे छूटती है? छूटने वाली ट्रेनें हैं, उनके टाइम भी तो मुझे हुए हैं ना, ऐसे ही। वशिष्ठ और विश्वामित्र के लिए बताया है, एक तो ब्रह्मा की आत्मा और दूसरा राम की आत्मा। वो वशिष्ठ और विश्वामित्र तो सप्तऋषि में नहीं आते हैं क्या? क्यों नहीं आते? सात नारायण के लिए गाय नहीं कि वो सप्त ऋषि की ऋषि है? ऋषि नौ है क्या? इसलिए ब्राह्मणों की नौ कुड़ियां गाई हुई। कितनी? नौ कुड़ियां गाई हुई। नवग्रह का पूजन होता है, जो ग्रह होते हैं उनमें जड़ तो मैं ही हूँ, और उन नवग्रहों को चलाने वाली कोई चैतन्य आत्मा ही है।
जो सात हैं वो अलग हैं और दो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सूर्य और चंद्रमा अलग है। वशिष्ठ ब्रह्मा की सोच और विश्वामित्र राम बन जाते हैं। तो दोनों राम के लिए गुरु बन के रहे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों राम के लिए गुरु बन के रहे थे बचपन में। वशिष्ठ जी और नौजवान होने के बाद जिनको विश्वामित्र कहा गया है उनको शिव समझना। क्या राम की आत्मा गुरु है वास्तव में या शिव की आत्मा गुरु है? शिव ही गुरु है। अभी दो ग्रह एक साथ मिल रहा है बोलते हैं सूर्य और बुध। सूर्य और बुध का गुरु है। गुरु बुध और है वो सूर्य के समान से मिलते हैं बोलते हैं। सामने आ गया, सामने आ गया, सन्मुख आ गया। सन्मुख तो अच्छी बात है ना। विमुख होना अच्छी बात है या सन्मुख होना अच्छी बात है? ये माता जी पूछती है कंसन कंसन का कितना प्रकार है? नौ लाख आत्माओं की कैटेगरी कितने प्रकार की है? नौ प्रकार की। तो कंचन काया भी नौ प्रकार की। उनमें आधे तो ऐसे हैं जो माँ बाप से जन्म लेने के कारण कंचन काया बनाते हैं। 4.5 लाख ऐसे हैं जो अपने पुरुषार्थ से कंचन काया बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार है। बाहर निकालो बाबा। माता जी को और क्लियर में चाहिए कंचन काया बारे में। क्या और क्लियर कैसे बनना है कंचन काया? कितना प्रकार जो है वो बताया। दो प्रकार की क्यों बताया? नौ प्रकार का उसका 18 प्रकार की भी हो गई। जन्म लेने वाले जो हैं और जन्म देने वाले हैं वो जन्म देने वाले भी कितने प्रकार के हैं? नौ प्रकार के हैं। हर धर्म के बीज है ना जिसपे अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। एक जैसा कैसे होगा? कोई पे तो बहुत लंबे टाइम बर्फ जमी रहेगी और कोई के ऊपर थोड़े टाइम की जो है बर्फ जमेगी, थोड़े टाइम के लिए बर्फ में दबके रहेंगे। कोई पूरे 84 जन्म लेंगे, कोई का लंबा समय है 84 जन्मों में से कट हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा ना। अपने बोला ना तैयारी करना अभी जल्दी जल्दी अंतिम समय क्या तैयारी करना? थोड़ा ऐसा रह जाए ना बाबा। अभी वाणी में ही इशारा दीजिए बाबा। एक ही धर्म जन्म में हम लोग को जो अपना ब्राह्मण परिवार में या द्वापर से लेके 63 जन्म जो है अपना शूटिंग चल रहा है अपना ब्राह्मण परिवार में ना, वही अपना जो नंदर संपर्क नहीं लौकिक दुनिया आएंगे क्या? इसके करते बोलो क्या बात क्या कह रहे हैं? जो अपना 84 जन्म में जो परिवार अपना होंगे तो अपना जो देवात्मा के साथ या यही देवात्मा के साथ बनेंगे या दूसरे में जाएंगे?
दूसरों के साथ है देवात्मा संस्कार अलग अलग जो बाप के ग्रुप के होंगे बाप जैसे एक ग्रुप से कनेक्टेड है या सभी ग्रुप से कनेक्टेड है सभी ग्रुप से कनेक्टेड सबके साथ बाप जब सबके साथ है तो बाप के साथ ही भी सबके साथ रहेंगे जहाँ जहाँ वर्षा पानी योग्य सात्विक स्टेज होगी वहाँ वहाँ बाप उन बच्चों को सहयोग दे करके राजा की स्थापना में सहयोग करेगा मतलब तो साथ ही बच्चे भी साथ ही रहेंगे अगर नहीं जाएंगे तो द्वापर युग से जो देह अभिमान के धर्म स्थापन होते हैं और देह अभिमानी धर्मों में जो राजाइयां चलती हैं उन राजाइयों का फाउंडेशन कौन डालेगा जो आत्मिक स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं उनको तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है इक्कीस जन्मों का बाकी 63 जन्म का जो देह अभिमानियों को वर्षा मिलता है राजाई का वो किससे मिलता है अपने बाप से अपने पुरुषार्थ से अपने धर्म के बाप हाँ नहीं वो तो ठीक है अपने धर्म के बाप को भी किससे मिलता है जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्माएं हैं उनको तो वर्षा मिलता है रूहानी बाप से 21 जन्मों का लेकिन जो 63 जन्मों में राजाइयां स्थापन हुई है देह अभिमान वाली राजाइयां उन राजाइयों का वर्षा कौन देता है निमित्त कौन बनता है मनुष्य सृष्टि का पिता जो मनुष्य सृष्टि का पिता है सारी मनुष्य सृष्टि देह अभिमान में जाती है उनका पिता भी देह अभिमान में जाने वाला है तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है वो सब धर्म की आत्माओं में जो भी राजाई का फाउंडेशन पड़ता है उसका निमित्त बनता है